गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट, यानी पौधे का वह भाग जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो शूट कहलाता है। इट कंसिस्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि शूट सिस्टम के अंदर स्टेम, तना, ब्रांचेस, शाखाएँ, पत्तियाँ, फूल और फल होते हैं। अब हम इसका पहला पार्ट जो है स्टेम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट, यानी जो शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो स्टेम होती है। ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम, यानी शाखाएँ, पत्तियाँ, बर्ड्स, कली होती है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम, ये सब स्टेम के ऊपर ही उगते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स, यानी पौधे के विभिन्न यानी कि विभिन्न प्रकार की जो तने होते हैं। ए बनियन ट्री और ए नीम ट्रीज हैज़ द हार्ड एंड वेरी थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, यानी कि एक बनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है या फिर एक नीम का पेड़ होता है, उसका जो तना होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, इस कारण से उसको हम ट्रंक कहते हैं। एक ओरिएंडर प्लांट हैज़ ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, यानी एक धनिया का जो पौधा है होता है उसकी जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन होती है। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम लाइक मनी प्लांट, बुगेनविलिया, यानी कुछ पौधे होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ही कमज़ोर और पतली होती है, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा है, बुगेनविलिया का है, इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, यानी कि उनको ऊपर उठने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, उनको हम क्लिम्बर्स भी कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में है बनियन ट्री, इसकी जो स्टेम है ये बहुत ही हार्ड होती है, इसीलिए इसको ट्रंक कहते हैं। कोरिएंडर की जो स्टेम है वो बहुत ही यानी कि वीक होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और मनी प्लांट की जो स्टेम है वो भी वीक और थिन होती है। हम फंक्शंस ऑफ ए स्टेम करें पढ़ेंगे। द स्टेम हेल्प्स टू इरेक्ट प्लांट, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स, यानी जो स्टेम होती है वो पौधों को सपोर्ट प्रदान करती है और सीधा रखती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट, यानी कि सीधा रखने के कारण और सपोर्ट देने के कारण इसको पौधों की बैकबोन भी कहा जाता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो स्टेम होता है वो पानी और जो खनिज पदार्थ हैं उनको मिट्टी में से निकाल करके विभिन्न पौधों के भागों में पहुँचाती हैं। द स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो स्टेम पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, शुगर केन, स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट, यानी कि पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको भी अपनी स्टेम में स्टोर करके रखती है, जैसे कि पोटैटो है, शुगर केन है, इनमें स्टोर करती है, यानी कि शुगर केन की स्टेम में भी फूड स्टोरेज किया जाता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट है लीफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट, यानी शूट सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही क्या किया जाता है, यानी कि पौधों के लिए भोजन जो है वो बनाया जाता है। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड, यानी कि पत्ती का जो फ्लैट पार्ट होता है वो लीफ ब्लेड कहलाता है। द अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ ए लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर्स, यानी पत्तियों का जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो भाग होता है वो अलग अलग कलर का होता है। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क, द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट इन कलर, यानी ऊपर की साइड का जो भाग होता है बहुत ही स्मूथ और डार्क रंग का होता है, जबकि जो नीचे की साइड का जो भाग होता है बहुत ही रफ और लाइट कलर होता है। देर इज ए मेन वेन थिन ट्यूब इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यानी पत्ती के मध्य के अंदर एक मुख्य वेन होती है जिसको हम नस या फिर पतली सी ट्यूब भी कह सकते हैं। देर आर
देर आर अदर स्मॉलर ट्यूब्स, अन्य छोटी छोटी ट्यूब्स भी होती हैं, द रन फ्रॉम द मेन वेन एंड आर कॉल्ड साइड वेन्स, यानी कि ये जो छोटी छोटी साइड में वेन्स होती हैं ये साइड वेन्स कहलाती हैं, दे कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, यानी कि जो साइड वेन्स होती हैं ये पौधे के अन्य भागों के लिए पानी और भोजन ले जाती हैं, दे हेल्प द फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ और टू द स्टेम, यानी कि ये पत्ती की हेल्प करती हैं, यानी पत्ती में से जो भोजन है वो तने तक पहुंचाती हैं, द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मैनी टीनी पोर्स, यानी कि नीचे वाले भाग में पत्ती के छोटी छोटी पोर्स होती हैं, कार्ड स्ट्रोमेटा जिसको हम स्ट्रोमेटा भी कहते हैं, गैसेज एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, यानी गैसें जो हैं वो स्टोमेटा के माध्यम से ही एक्सचेंज होती हैं, फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तियों के कार्य, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो पौधों के लिए भोजन प्रिपेयर करती हैं, इसी कारण से पत्तियों को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज ब्रोकली ईटीसी स्टोर फूड, यानी कुछ पौधों की पत्तियां हैं जो अपने अंदर फूड स्टोरेज करके रखती हैं, जैसे कि कैबेज है और ब्रोकली है, ये अपनी पत्तियों के अंदर ही भोजन को स्टोर करती हैं।